हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक चैनल। डेट है ये यूट्यूब की पॉलिसीज के हिसाब से एक यूनिक नेम रखना चाहिए, तो हम लोगों ने थोड़ा सा ट्विक कर दिया क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरा चैनल इसी नेम से था। बट या सो हियर वी आर अगेन बैक विथ अ न्यू वीडियो। और हाँ, मैं थोड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ पीछे से, क्योंकि मैडम जी का दांत निकाला गया है और फिर उसमें सिलाई हुई है, टाके लगे हैं, तो थोड़ी थोड़ी वीडियो में मैं भी बोलूंगा और मैडम भी बोलेगी, तो गेट यू स्टार्ट। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक चैनल। जी हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा बोल पा रही हूँ, तो प्लीज इसके साथ बैर कर जाइए, क्योंकि मेरे मुंह की हालत बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। अभी 4 दिन हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो शूट किया जाए, क्योंकि बहुत समय से एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। सो इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आप नए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, अगर कोई सजेशन है तो बताइए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो आज का वीडियो होने वाला है गणेश चतुर्थी स्पेशल, और जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है कुछ दिनों में, तो मैंने सोचा एक सिंपल सा लुक क्रिएट किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। सो ऑन दैट नोट, और आपने जैसे सुना, मेरे हस्बैंड ने पहले पिछले कुछ सेकंड्स पहले उन्होंने भविष्यवाणी करके पीछे से बताया कि मेरे मुंह में सिलाई हुई मतलब स्टिचेस लगे, आई एम सॉरी, मैं ज्यादा हंस भी नहीं पा रही हूँ, तो मेरे मुंह में स्टिचेस लगे हैं, तो आवाज शायद आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन बहुत खुल के नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि दिक्कत हो रही है मुझे। तो चलिए फटाक से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और यस, थोड़ा सा अपडेट हुआ है चैनल के नेम में, इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक तो है ही, मतलब इंडियन यूट्यूबर नीलम तो है ही, उसके बस इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक हो गया है। तो ये एक चैनल का छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए। तो चलिए फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम पहले ग्लोई लुक क्रिएट करेंगे। तो ग्लोई लुक के लिए मैंने पहले से स्किन को हाइड्रेट कर लिया है, वॉश कर लिया है, टोनर लगा लिया है, मॉइस्चराइज हल्का सा कर लिया है। अगर आपको मेरा वो रूटीन जानना है तो कॉमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल, क्योंकि थोड़ा ड्यूई लुक मुझे चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये ट्रिक ज़रूर आजमाइए आप, और आपको बहुत डिफरेंस आएगा आपके मेकअप में। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये स्किप कर जाइए। इस तरह से मैंने पूरे फेस पे लगा लिया। गाइस, स्किन केयर जरूर फॉलो करिए, मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि स्किन केयर बहुत जरूरी है। अगर आप स्किन केयर अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका जो मेकअप का लुक है वो अच्छा नहीं आएगा, आप केकी हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं। लैक्मे का सीसी क्रीम, आपके पास जो भी सीसी क्रीम या बीबी क्रीम हो उसे आप यूज कर लें। और इस लुक को मैं एक सीसी क्रीम के साथ क्रिएट करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये चूज किया है। आप चाहे तो फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं। चलिए फटाक से इसको लगा लेते हैं। उंगलियों की जादू, उंगलियों की
फिल कर लूंगी। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि आप ब्राउन या ग्रे आई शैडो से भी अपने आईब्रोज फिल कर सकते हैं। आई होप मेरी आवाज आप तक आ रही है। यहाँ मैं फ्रीडम का पैलेट यूज कर रही हूँ, ये फ्रीडम का प्रो डेकेडेंस पैलेट है, क्लब 210। अब यूज कर लेती हूँ। ग्रे शेड यूज कर रही हूँ यहाँ का। क्रीज पर ये वाला शेड लगाएंगे, इस तरह का ग्रीनिश शेड लगाएंगे। ये थोड़ा सा मेटालिक शेड है तो ये आराम से आपके आंखों पे ग्लाइड हो जाएगा। पर उससे पहले एक ट्रांजिशन शेड यूज कर लेते हैं। तो ट्रांजिशन शेड के लिए मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का शेड यूज कर रही हूँ। शेड को आंखों के नीचे भी स्मच कर लेंगे। ये डार्क ग्रीन अपने आईलेट्स पे पॉप कर लेंगे। सेमी स्मोकी आई इफेक्ट आप बोल सकते हैं हमने कर लिया है। और हम सेम जो कलर है जो हमने आईलिड्स पे लगाया है उसे हम आंखों के नीचे स्मच कर लेंगे एक स्मोकी इफेक्ट के लिए। सिंपली अपना काजल लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं फेसेस कैनेडा का जेल काजल यूज कर रही हूँ। तो बस अपने वॉटर लाइन को जल्दी से टाइट लाइन कर लेंगे। मूव ऑन करते हैं लिपस्टिक पे। ये ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक है शेड नंबर 08। एक तरह का पिंक मॉवी कलर है। तो हम इसे पहले चीक्स पे लगा लेंगे जैसा। तो
हम जल्दी जल्दी इसको ब्लेंड करेंगे क्योंकि ये मैट लिपस्टिक है तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। दाग से लिप्स पर पॉप कर लेते हैं। मैं उंगली के हेल्प से करूंगी, आप चाहे वॉन्ड भी यूज कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में वीडियो 4 दिन पहले 5 दिन पहले लास्ट वीडियो आया था, उसके बाद वीडियो इसलिए पोस्ट नहीं कर पाई मैं क्योंकि मेरा टूथ विड्रॉल हुआ था तो टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है बात करना, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं आई। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। इसीलिए जैसे ही मुझे बेहतर फील हुआ, मुझे लगा कि शायद मैं बना पाऊँ वीडियो, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देती हूँ। ऑन मूविंग ऑन टू द फाइनल स्टेप, आई थिंक फाइनल नहीं है, सेकेंड फाइनल है। तो ये हम हाईलाइटर मेकअप रेवोल्यूशन का प्रो इल्यूमिनेट हाईलाइटर है और इसको हम अपने यूजुअल एरियाज पे जल्दी से पॉप कर लेंगे। तो जैसा आपको पता है चीक बोन्स पर, तो ये ब्रिज ऑफ द नोज जो है हमारी नाक की पुल, क्यूपिड्स बो, और ब्रो बोन के नीचे। Guys, this is the finished look. जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत ही स्मोकी सा अच्छा सा इफेक्ट आया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लुक क्रिएट हुआ है। आई एम रियली सॉरी कैमरा जो है मस्कारा फिल्म नहीं कर पाया, तो मैंने यहाँ पे यूज किया मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा, उसकी एक कोटिंग बस आई लैशेस पे लगा ली है और ये हमारा लुक हो गया है तैयार। तो मैं फटाक से तैयार होके आती हूँ और आपसे तुरंत मिलती हूँ कुछ देर में और देखते हैं ये लुक कैसे कम्प्लीट होता है। ठीक है, सो गाइज दिस इज द फिनिश्ड लुक। आई रियली होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आप ये लुक गणेश चतुर्थी या किसी भी फेस्टिवल पर रिक्रिएट करते हैं तो मुझे टैग जरूर करिएगा अपने पिक्चर्स में। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, सारे प्रोडक्ट के नाम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो अगर वीडियो पसंद आया गाइज प्लीज लाइक कर दीजिए, प्लीज 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 लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब करो क्योंकि इस चैनल पे आपका होने वाला है फुल ऑन एंटरटेनमेंट। और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा। ये थोड़ा डिफरेंट लुक मैंने थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश करी है विद अ डिफरेंट बिंदी। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में, अगर वीडियो सजेशन है तो भी बताइएगा। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ। इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक आपसे लेती है अलविदा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा।
रखिएगा, खुश रहिए, और तब तक मैं फिर मिलती हूँ एक नए चमत्कारी वीडियो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लोड्स ऑफ लव, बाय।